नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भूमंडलीकरण के दौर में पार्टी और सरकार के मंडलीकरण का दाव चला है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक मोदी का मंडल दो भी कह रहे हैं। और उनका दावा है कि जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल एक प्रयोग ने भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का पूरा चरित्र बदल दिया, उसी तरह मोदी का मंडल दो फिर कोई नया गुल खिला सकता है। कहा जा सकता है कि बीपी सिंह की तरह नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा सियासी जोखिम लिया है और ऐसे में जो भाजपा और संघ के हिंदुत्व की राजनीति से मेल नहीं खाता है। फर्क यही है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सवर्ण थे और मंडल के कारण उन्हें सवर्णों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। वहीं पिछड़ों ने उनके मुकाबले मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे नेताओं को तरजीह दी थी, लेकिन मोदी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुकाबले वो ज्यादा मजबूत विकेट पर हैं और उनके सामने समय सामाजिक न्याय की राजनीति के पुराने योद्धाओं जीवन के सांध्यकाल में है और लगभग हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में कोई सामाजिक न्याय की धारा का कोई नया तेज तर्रार नेता दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके इन दाव से संघ और भाजपा के अग्रे जनाधार के नाराज होने से खतरे की भी आशंका है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में पूर्व पीएम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं लखनऊ में ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर आज शाम 5:30 बजे मेरी यात्रा अटल यात्रा नामक नाटक का मंच भी किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से KGMU के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस मौके पर अटल जी के साथ काम करने वाले 15 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने की प्लानिंग कर ली है। ऐसे में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले में सपा की सहयोगी जनवादी पार्टी और महान दल की बीजेपी हटाओ यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। जनवादी पार्टी और महान दल की भाजपा हटाओ यात्रा बलिया और पीलीभीत से आज से शुरू होगी और साथ ही जनवादी पार्टी की बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा बलिया से शुरू होगी और 31 अगस्त को अयोध्या में इसका समापन किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि ये यात्रा अगले साल 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाने के लिए जन जागरूकता फैलाएगी। उन्होंने कहा कि इन रैलियों के जरिए बीजेपी सरकार की कुनीतियों, किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न, फर्जी मुठभेड़, यूपी में विकास योजनाओं को अवरुद्ध किए जाने सहित अनेक मुद्दों से जनता को परिचित भी कराया जाएगा। देश में रविवार को कोरोना के केस में एक बार फिर से गिरावट देखी गई है। बता दें पिछले 24 घंटे में 33,212 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और 421 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2709 की कमी आई है और अब भी बता दें 3,76,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद से सबसे कम है और अब तक कुल 3,65,000 एक्टिव केस भी थे। वहीं केरल में लगातार चौथे दिन मामलों में गिरावट देखी गई है, जहां रविवार को 18,582 नए मामले आए हैं, वहीं बुधवार को यह संख्या 23,500 थी और बीते दिन राज्य में 102 पीड़ितों ने दम भी तोड़ दिया है। यहां अब तक बता दें कोविड से मरने वालों की संख्या 18,601 हो गई है। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मोदी सरकार में 3 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और एसपी सिंह बघेल की यात्रा निकालने
निकलेगी। तीनों मंत्रियों की यात्राएं 16 अगस्त से यानी कि आज से 24 अगस्त तक निकाली जाएगी और इसकी शुरुआत केंद्रीय कानून और विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आज यानी कि सोमवार से ग्वालियर से करने वाले हैं। विमानन मंत्री सिंधिया की यात्रा कल 17 अगस्त को देवास से शुरू होगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा देवास से शुरू होकर शाजापुर होते हुए इंदौर में समाप्त होगी, जबकि सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक 19 अगस्त को ग्वालियर से यात्रा शुरू करेंगे और तीनों मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा मंदिर, मठ, गुरुद्वारा और शहीदों के घरों से होते हुए गुजरेगी। मंत्री यहां कुछ देर रुकेंगे भी और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात भी करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 43 नए मंत्रियों के जन आशीर्वाद यात्रा की योजना बनाई है। जिन प्रदेशों में यात्रा होनी है वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों को बताएगी कि किस तरह से मोदी मंत्रिमंडल में समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है और जमीन से जुड़े सांसदों को मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा के दौरान बीजेपी ताकत का प्रदर्शन तो करेगी ही और ऐसे में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। देश में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर इस बार राजधानी लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और साल 2018 में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद पूर्व पीएम वाजपेयी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर काव्य नाटक मेरी यात्रा अटल यात्रा का मंचन होगा और KGMU कन्वेंशन सेंटर की स्मृति सभा में इस नाटक का मंचन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन करा रहा है। फाउंडेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में शाम 6 बजे के लगभग भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत रत्न अटल जी की स्मृति सभा, पुष्पांजलि और नाट्य मंचन होगा। नाटक का निर्देशन मुंबई के चंद्रभूषण सिंह करेंगे और साथ ही अभिनय विपिन कुमार करेंगे। यूपी में 18 मार्च 2020 को कोरोना लॉकडाउन की वजह से बंद हुए स्कूलों में अब सोमवार से यानी कि आज से फिर से रौनक लौटने लगी है। स्कूलों को 16 अगस्त से आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और ऐसे में स्कूल अभी भी ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू नहीं कर रहे हैं। स्कूल संचालकों के अनुसार जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक बसें नहीं चलाई जा सकेंगी। वहीं तीसरी लहर आने की आशंका है, ऐसे में चंद दिनों बाद फिर स्कूल बंद करने पड़े तो दुगना घाटा उठाना पड़ सकता है। लॉकडाउन की वजह से पहले ही स्कूलों के फंड खत्म हो चुके हैं और साथ ही कक्षाएं शुरू करेंगे लेकिन यातायात सुविधा नहीं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में पब्लिक स्कूल संचालकों के बड़े संगठन के तहत बता दें बैनर तले 25 जिलों के 150 से ज्यादा स्कूल संचालकों ने यह फैसला लिया है और ऐसे में संगठन के पदाधिकारी राहुल केसरवानी ने बताया है कि 1.5 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं और अभी भी कोई भी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में 16 अगस्त से केवल कक्षाएं शुरू होंगी लेकिन बस और ऑटो की सुविधा बंद रहेगी। साथ ही स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो कब आ जाए। कई स्कूलों पर अपना ट्रांसपोर्ट है मगर अधिकांश स्कूल आउटसोर्स से बस ले रहे हैं, ऐसे में स्कूल जोखिम नहीं उठा सकते हैं। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाने वाले लखीमपुर खीरी के जाबाज सिपाही गुरमेज सिंह के बेटे ड्राइवर हैं। बीपीएल का कार्ड है और थोड़ी सी जमीन है जिस पर वो खेती होती है तो अनाज मिल पाता है। सिपाही गुरमेज सिंह की जाबाजी और शहादत की कीमत पर उनकी बूढ़ी पत्नी को सिर्फ पेंशन ही मिल रही है। दरअसल पंजाब के अमृतसर जिले के गाँव लाइया के रहने वाले गुरमेज सिंह ने 20 साल की उम्र में फौज ज्वाइन कर ली थी और पूरे गाँव को फौजी बेटे पर गुरूर था।
गुरमीत सिंह ने भी मरते दम तक गांव ही नहीं देश तक का नाम ऊंचा रखा था। 1962 में चीन के खिलाफ हुई जंग में वो भारतीय फौज के सिपाही थे और उनकी पत्नी कहती है कि गुरमीत जंग के मैदान में आखिरी पल तक डटे रहे थे और दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दिया और शहीद हो गए। उस वक्त गुरमीत ने महज 4 साल की ही सेना में गुजारे थे और शहीद सिपाही गुरमीत सिंह की पत्नी स्वर्ण कौर बताती हैं कि फौजी की शहादत के बाद तमाम वादे किए गए थे। कहा गया था कि 10 एकड़ जमीन दी जाएगी, पट्टा मिलेगा, सरकार की ओर से घर के बेटे को सरकारी नौकरी मिलने की आस हुई थी और कुछ नहीं मिल पाया सिवाय पेंशन के। के भारत और चीन के बीच हुए विश्व युद्ध के दौरान गुरमीत सिंह शहीद हो गए थे। आज हम लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील स्थित उनके घर पे मौजूद हैं और हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रधान मौजूद। चलिए हम बात करेंगे, आज तक उनको कोई भी सरकारी सहायता मुहैया नहीं कराई गई है, इस संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं प्रधान गुरबाज सिंह कमलापुरी से जी। मुझे बड़ा गर्व की बात है कि मेरे गाँव में एक शहीद का परिवार रहता है, लेकिन आज प्रशासन से कोई भी इनको ऊपर से कोई भी ऐसा कोई मिला नहीं है कि जो इनकी पालन पोषण किया जा सके, ना ही कोई नौकरी मिल पाई सरकारी और माता जी को पेंशन के अलावा कोई पट्टा भी नहीं मिला। अगर एक पट्टा मिला भी था तो वो पैसा दे के जिनसे पट्टा मिला था वो कब्जा कर लिया गया। माता भी काफ़ी वृद्ध हैं, ये अपना भरण पोषण कैसे करती हैं, एक बीपीएल कार्ड है उसी से अनाज आता है, बच्चे जो हैं वो ड्राइवरी करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, उन्हीं के थ्रू इनका काम काज चलता है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन और मंत्रियों द्वारा मेरा जो गांव है वहां शहीद गुरमीत सिंह का एक स्मृति द्वार बने और इनको ऊपर से जो सहायता मिल सके, सरकारी नौकरी मिले या पंप मिले या इनको आवास आवंटित किया जाए, ऐसी कोई भी जो भी ऊपर से सरकारी योजनाएँ हैं इनको दी जाए ताकि इनका भरण पोषण चल सके। एक और सरकारें जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तमाम सरकारी सहायता मुहैया करा रही हैं और वहीं एक परिवार ऐसा है जो उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजादी की 75वीं सालगिरह पर ऐतिहासिक गांधी मैदान के कारगिल चौक पर तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने सीएम ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया है और अभी तक बिहार में राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 12% मिलता था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि से जुड़े 3 डिग्री कॉलेज की घोषणा भी उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय कुमार गुप्ता की तिरंगा यात्रा में पेट्रोल से भारी बोतल लूटने के लिए भगदड़ मच गई। हालात कुछ इस कदर बेकाबू हो गए कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मामला कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी स्थित कड्डीजी स्कूल कैंपस का है। बताया जाता है कि तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने फ्री में पेट्रोल देने की घोषणा कर दी थी। जब लोग अपने अपने बाइकों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो जान हथेली पर रखकर पेट्रोल से भरी बोतल लूटते हुए नजर आए, जबकि हजारों की इस भीड़ में आग की एक छोटी सी चिंगारी भी तबाही मचा सकती थी। कौशाम्बी में चायल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और ऐसे में बीजेपी विधायक ने जनपद वासियों से बड़ी तादाद में तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया था और तिरंगा यात्रा की शुरुआत भरवारी के कड्डीजी स्कूल कैंपस से की गई थी। तो बता दें कल 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी विधायक ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और ऐसे में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए फ्री पेट्रोल देने की बात कही थी और ऐसे में भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि अफरा तफरी जैसा माहौल दिखा, तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोल लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन अगर कोई घटना होती तो एक बड़ा हादसा ऐसे में हो सकता था।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के आवास पर रविवार को पेट्रोल पंप से हमला कर दिया गया। हालांकि घर पूरी तरह से खाली होने की वजह से जाल मार्ग का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में पूर्व विद्रोही नेता की मौत के बाद शिलांग में अशांति और विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है और यहां 2 दिन का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। बता दें, विरोध प्रदर्शनों तोड़फोड़ को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और शिलांग में असम के एक वाहन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया जिसमें ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं शहर के कई हिस्सों में पथराव की घटनाएं भी सामने आई। ऐसे में असम के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने राज्य के लोगों से कर्फ्यू लागू रहने तक शिलांग नहीं जाने की अपील की है। वहीं असम के विशेष डीजी जीपी सिंह ने कहा कि शिलांग में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लागू किया गया है और ऐसे में असम के लोगों को कर्फ्यू लागू रहने तक शिलांग नहीं जाने की सलाह दी जाती है। In the last few weeks, there have been a number of incidents where certain locations, IED bombs were planted in East Chentia Hills as well as in Shillong, where the incident that took place in Shillong, certain individuals were also injured. सरकारें कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क दिख रही हैं और ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी करीब 8 शहरों में कोरोना लॉकडाउन को 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इसे लेकर अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और कहा है कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जामनगर और गांधी नगर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जानकारी के मुताबिक जो पाबंदियां 29 जुलाई तक लागू हुई थी वही पाबंदियां 28 अगस्त तक लागू रहेंगी और उस आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव की अनुमति दी गई थी जिसमें मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम 9 फुट होनी चाहिए। ऐसे में गणेश उत्सव के मुद्दे को लेकर गणेश उत्सव समिति के सदस्य गृह राज्य मंत्री से भी बात कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से कमर कस ली है जिसकी शुरुआत आज से केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल नए मंत्री करने वाले हैं। बीजेपी कोटे से बने ये मंत्री आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में कई मंत्री मिलकर करीब 3665 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान ये मंत्री करीब 27 जिलों को कवर करते हुए सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच साझा करेंगे और इस यात्रा में बीजेपी के 6 मंत्री और अपना दल की मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। यात्रा के दौरान 150 से ज्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे और इस यात्रा के लिए बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग को प्रभार दिया गया है। उनके साथ अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, सत्या सुनील देवधर जैसे राष्ट्रीय सचिव भी यात्रा में सहयोग करेंगे। साथ ही यात्रा में शामिल होने वाले सभी मंत्री लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियां खासकर गरीबों के लिए किए गए काम के बारे में जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे देश हित के लिए लगातार एक के बाद एक निर्णायक कदम उठा रही है। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल नए और पदोन्नत किए गए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और इस दौरान करीब 19,500 से ज्यादा किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा भी करेंगे। बता दें ये यात्रा 19 राज्यों में होते हुए करीब 265 जिलों से गुजरेगी और इस यात्रा के 1663 छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। हाल ही में खत्म हुए बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी को विधानसभा में पटखनी देने के बाद अब टीएमसी की योजना है कि ऐसे भगवा दल को पूरे देश में हराया जाए।
साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता में अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का रविवार को संकल्प लिया है। बंगाल में सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में एक संपादकीय में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि देश भर में विपक्ष एक मंच पर एक साथ आने और कई वैकल्पिक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सरकार ने नेताओं की पेगागस स्पाईवेयर से जासूसी की है, लेकिन इस मामले में केंद्र ने संसद में कोई चर्चा नहीं की। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सरकार नेताओं की टेलीफोन पर बातचीत की जासूसी कर रही है और संसद में इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर चीन पर निर्भरता बढ़ती है तो हमें उसके सामने झुकना होगा, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। एक देश जितना ही आत्मनिर्भर होगा उतना ही सुरक्षित भी होगा। दरअसल 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे मोहन भागवत, जहां ध्वजारोहण के बाद भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब भारत की शर्तों पर कारोबार से नहीं। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश में मूल तकनीक नहीं है और ये बाहर से आई है। भागवत ने कहा कि एक समाज के रूप में हम चीन के बारे में कितना भी चिल्लाएं और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, लेकिन आपके मोबाइल में जो कुछ भी है वो वहां कहां से आता है। चीन पर निर्भरता बढ़ी तो हमें उसके के झुकना पड़ेगा। सर संघचालक ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा जरूरी है, प्रौद्योगिकी का अनुकूलन हमारी शर्तों पर ही होना चाहिए, हमें स्वनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज की अनदेखी करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बना रहेगा लेकिन ये हमारी शर्तों पर भी होना चाहिए, इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने जापान जा रहे 54 भारतीय पैरा एथलीटों से मंगलवार यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। जापान में होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 24 से अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार टोक्यो में 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट हिस्सा लेने वाले हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं पीएमओ द्वारा रविवार को जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भाग लेने जा रहे एथलीटों से 17 अगस्त की सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इसमें कहा गया है कि ये भारत से पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली सबसे बड़ी टोली है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बातचीत के दौरान मौजूद रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।